नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज यह जो वीडियो है ये बीटल बकरी के ऊपर होने वाला है। हम इसके कुछ पहचान के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ ये सेल पर्पस के रिगार्डिंग भी है। तो जो भी किसान भाई बकरियां लेना चाहता है, बीटल बकरी लेना चाहता है, सस्ते दामों पर लेना चाहता है, तो ये जो बकरियाँ हैं ये सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आप इन बकरियों को खरीद कर अपना फार्म जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये जो बकरियां आपको दिखाई दे रही हैं ये आरडी गोट फार्म है ना, जो कि अजमेर के पास पुष्कर है वहां पर स्थित है। और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस ब्रीड की पहचान बता देता हूँ कि इस ब्रीड में जो प्योरिटी पाई जाती है बीटल बकरी के ऊपर है ना, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कान लंबे होते हैं और आंखें जो होती हैं प्योर वाइट कलर में होती हैं। इसमें एक कलर के साथ साथ दूसरे और कलर भी देखने मिलते हैं, जैसे ये तो प्योर ब्लैक में है और दूसरा कलर हो जाता है ब्राउन कलर का आ जाता है ना, और तीसरा आ जाता है मिक्स में जो रहता है। तो ये अलग अलग कलर जो आपको ब्राउन के साथ देखने मिलते हैं। और इसमें एक और भी खासियत ये होती है कि इसमें कुछ बकरियों में है ना येलो कलर की जो आईज हैं वो देखने मिलती हैं, आंखें देखने मिलती हैं, जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं। और इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हम अगर देखते हैं तो इस नस्ल की बकरियों का जो पालन है वो है ना मीट प्रोडक्शन के लिए और दूध प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। यह बकरियां बहुत हाइटेड हो जाती हैं। अगर हम एक अडल्ट जानवर की बात करें तो ये जो बीटल बकरियां होती हैं ये है ना बकरियां नॉर्मली 40 से 42 इंच तक की, और जो बकरे हैं वो 46 तक के हो सकते हैं और बहुत ही हेल्दी जानवर हो जाते हैं। तो जो भी किसान भाई अगर बीटल बकरी के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल दिए गए नंबर पर है ना ये कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ये जो ब्रीड है ये मेनली पंजाब हरियाणा और कुछ जो रीज़न है राजस्थान का, जैसे हनुमानगढ़ रीज़न पर ये बकरियां बहुत ही मात्रा में पाई जाती हैं। आजकल इसका पालन जो है वो भारत के हर एक जगह पर किया जाता है। इसकी जो मिल्क कैपेसिटी होती है वो दो से है ना दो एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर आप नॉर्मल डाइट पर बकरियों को रख रहे हैं तो 2 से 2.5 kg का दूध आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर डाइट पर इन्हें रख रहे हैं, अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए आप इन्हें पालते हैं तो 3 kg तक का दूध इन बकरियों से मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो बकरियां हैं इनका जो रेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। फीमेल जो हैं वो आपको 300 रुपये kg के हिसाब से और मेल जो हैं वो 350 रुपये kg के हिसाब से मिल जाएंगे। तो जो भी किसान भाई अगर बीटल बकरी लेना चाहते हैं और बीटल बकरियों के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही है ना अच्छे रेट पर ये बकरियां इनको मिल जाएंगी। और ये जो रेट है ये वेरी भी करेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी के ऊपर। अगर आप क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हैं तो ये रेट थोड़ा सा आपका कम भी हो जाएगा। ये इस फार्म पर आपको ये फैसिलिटी भी है कि जैसे अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं, राजस्थान के बाहर से अगर आप बिलोंग करते हैं, बकरियां लेने के लिए आते हैं, तो आपको रहने खाने की व्यवस्था इस फार्म पर कर दी जाएगी है ना। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह कर इनके पास बकायदा आप मिलकर इनसे है ना बकरियों का चयन कर सकते हैं। और जो इनके पास ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, मतलब अगर आप कहीं पर भी जैसे आप MP बिहार छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप इनके फार्म पर जाते हैं तो रहने खाने की और ट्रांसपोर्ट की है। रेट मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इनका एड्रेस बता देता हूँ कि इनका जो एड्रेस है वो है ना अजमेर के पास जो पुष्कर है वहाँ पर है ये आरडी गोट फार्म। ये बीटल बकरियों का जो रेट है मेल जो है वो 350 रुपये kg के हिसाब से और फीमेल जो है 300 रुपये kg के हिसाब से मिलेंगे। तो जो भी किसान भाई बीटल बकरी के साथ अपना फार्म जो है वो शुरू करना चाहते हैं, खास करके बकरियों से शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप यह इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप उचित रेट पर आपको ये बकरियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, बकरी पालन से कोई भी संबंधित आपके अगर कोई सवाल हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई सजेशन है किसान दोस्तों के लिए तो वो भी हमें एक राय के तौर पर दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।